ईवीएम गड़बड़ है, बीजेपी ईवीएम के कारण जीत रही है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद ये शोर तेज हुआ है। दिग्विजय सिंह समेत कई नेता ईवीएम में घोटाला साबित करने पर तुले हैं। हालांकि अब जो विवाद हुआ है उसमें कांग्रेस सीधे शामिल नहीं है। विवाद खड़ा हुआ है भारत सरकार में सचिव रहे रिटायर्ड आईएएस ईएस शर्मा की चिट्ठी से। ईएस शर्मा ने दावा किया है कि चुनाव आयोग के लिए ईवीएम बनाने वाली सरकारी कंपनी में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि बीजेपी से जुड़े लोगों को कंपनी से हटाया जाए। हालांकि शर्मा ने भी अपनी चिट्ठी में ऐसे 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नाम नहीं लिखे हैं। उन्होंने दावा किया कि मनसुख हाचरिया एक डायरेक्टर है, बीजेपी राजकोट के जिला अध्यक्ष है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इसके द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण डिटेल्स सार्वजनिक किया जाए। क्या बीजेपी से जुड़े पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले चला सकते हैं जो ईवीएम बनाती है? भेल निदेशकों का बीजेपी से जुड़ा होना इस ओर इशारा करता है कि पार्टी कंपनी के कामकाज की निगरानी करती रही है। चुनाव आयोग ने जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। ईएस शर्मा ने पहली बार चुनाव आयोग को चिट्ठी नहीं लिखी है। मोदी सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकारी अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 1965 बैच के आंध्र प्रदेश काडर के आईएएस ईएस शर्मा की ईमानदारी अफसर वाली इमेज रही है। 35 साल की सरकारी नौकरी में उनका 26 बार ट्रांसफर हुआ। वाजपेयी सरकार के वक्त वित्त मंत्रालय में सचिव थे। सरकार की नीतियों से असहमत होकर उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया था। आंध्र यूनिवर्सिटी से न्यूक्लियर फिजिक्स में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट शर्मा ने आईआईटी दिल्ली से डायरेक्ट किया। ईएस शर्मा की चिट्ठी moneylife.in वेबसाइट में पब्लिश की है, जिसे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने शेयर करते हुए सवाल उठाए। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में बीजेपी ऑफिस के पदाधिकारी और नॉमिनी डायरेक्टर हैं, तो क्या ईवीएम सुरक्षित है? क्या इस स्थिति में स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं? चुनावों की पवित्रता को कौन बचाएगा? चुनाव आयोग शांत क्यों है? बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस चुनाव हार जाती है इसीलिए ईवीएम पर दोष पड़ती है, लेकिन 19 अगस्त को इंडिया गठबंधन ने प्रस्ताव पारित करके ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चिंता जताई थी। तब एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार नहीं हुई थी। इंडिया गठबंधन ने मांग की थी कि ईवीएम के वोटों की काउंटिंग के साथ वीवीपैट के वोटों की भी गिनती कराई जाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि मिलने का समय दीजिए, हम सुझाव देना चाहते हैं। आज तक चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया। ईवीएम वाला विवाद तब और तेज हुआ जब कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने भविष्यवाणी कर दी कि लोकसभा चुनावों से पहले अगर ईवीएम को ठीक नहीं किया गया तो बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। मेनली बिकॉज ऑफ द वे वीवीपैट is introduced, attached, working, and it makes electronic voting machine not a standalone machine. There is a report of the Citizens Commission on Election. भोपाल में एक हफ्ते पहले दिग्विजय सिंह ने गुजरात के अतुल पटेल के साथ ईवीएम को हैक करने का डेमो दिया था। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि ईवीएम हैकिंग से 30-40% वोटों में हेर फेर हो सकता है। दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं कि ईवीएम सॉफ्टवेयर की जानकारी पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है, सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है, ये बताते क्यों नहीं, ईवीएम की वीवीपैट वाली पर्ची वोटर के हाथ में क्यों नहीं देते। ये कोई उनके पास टेक्नोलॉजी की टीम नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, ये खुद इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं।
जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। मतदाता नहीं तय करेगा, सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी, और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। ईवीएम पर उठने वाले सारे सवाल चुनाव आयोग से किए जाते हैं, लेकिन सवाल उठते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के काम करने पर, जो ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सबके लिए जिम्मेदार है। ईएस शर्मा ने चिट्ठी लिखकर यही इशारा किया है कि अपने लोगों को बिठाकर बीजेपी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने फायदे के लिए कंट्रोल कर रही है। हैकिंग के आरोपों के बाद 2019 में चुनाव आयोग ने एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि चुनाव आयोग जिस ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो स्टैंड अलोन मशीनें होती हैं। उसे ना तो किसी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है और ना ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है। ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनियों के इंजीनियर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर के सोर्स शेयर नहीं होते, मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पता होता कि कौन सी मशीन कहां जाएगी, उम्मीदवार कौन होगा, इसलिए भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।